तारीख 13 अप्रैल 2011 की लीग मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और किंग्स इलेवन पंजाब की टीमें आमने सामने थी। मोहाली के मैदान पर चेन्नई ने पहले बैटिंग करते हुए 128 रनों का टारगेट दिया। पंजाब की टीम ने पुणे वानर्स के खिलाफ पहला मुकाबला हार चुकी थी। ऐसे में दोस्तों मैच जीतना टीम के लिए काफी जरूरी था। पंजाब के कप्तान एडम गिलक्रिस्ट ने इस बीच ऐसा डाव किया, रेगुलर ओपनर शॉन मार्स की जगह उन्हें ओपनिंग के लिए जिम्मेदारी पॉल वॉल्टर को दी और इसके बाद जो हुआ शायद ही क्रिकेट फैंस कभी भूल पाएंगे। गजब की सेंचुरी और पॉल वॉल्टर बन गए स्टार। मगर इसके बाद वॉल्टर का क्या हुआ? उनके जैसे चार और खिलाड़ी जो रातों रात स्टार बनकर गायब हो गए। दोस्तों इसकी पूरी जानकारी देने वाले थे दोस्तों, चैनल तो अंत तक जरूर देखेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। लिस्ट में पहला नाम जाहिर है कि पॉल वॉल्टर का होगा। वह जो वही साल 2011 का मैच जिसके बारे में हमने आपको शुरुआत में बताया, पंजाब के इस प्लेयर ने जोरदार सेंचुरी ठोकी। मात्र 63 गेंदों पर नाबाद 120 रन की पारी खेली। पंजाब मैच जीत गया और लड़का रातों रात हीरो बन गया। इस सीजन में वॉल्टर के लिए तगड़ा साबित हुआ। 14 मैचों में 463 रन बना डाले जिसमें एक शतक और दो अर्धशतक शामिल भी थे। लेकिन इसके बाद वॉल्टर लगातार चोट से जूझते रहे। आईपीएल 2012 में 6 गेम खेले, वही आईपीएल 2013 में सिर्फ एक मैच खेले। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल वो एयर इंडिया में काम करते और मुंबई के लिए क्लब क्रिकेट खेलते। इस लिस्ट में दूसरा नाम है गोवा के क्रिकेटर स्वप्निल अस्नोदकर का। आईपीएल के पहले सीजन में राजस्थान की टीम चैंपियन बनी जिसमें कप्तान शेन वाटसन और यूसुफ पठान जैसे शानदार खिलाड़ी थे। लेकिन जिस एक खिलाड़ी ने पूरे सीजन के दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित किया वो थे स्वप्निल अस्नोदकर। स्वप्निल अस्नोदकर ने आईपीएल 2008 में कुल 9 मुकाबले खेले जिसमें उन्होंने 133 स्ट्राइक रेट से 311 रन ठोक डाले। हालांकि इसके बाद कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाए जिसके बाद उनका आईपीएल करियर खत्म हो चुका। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के फास्ट बॉलर कमरान खान की। कमरान खान ने 2009 में राजस्थान के लिए अपना आईपीएल डेब्यू किया था। उनकी खोज टीम के कप्तान और कोच शेन वॉर्न ने की थी। वॉर्न ने उन्हें टोरेटो नाम दिया था। इस सीजन में केकेआर के खिलाफ वो एक मैच जीता और सुपर ओवर डालकर सुर्खियों में आई थी। इस दौरान उन्होंने क्रिस गेल का विकेट भी झटकाया था। उनके स्लिंग आर्म बॉलिंग एक्शन को भी लोग खूब पसंद करते थे। हालांकि उनका एक्शन उनके लिए काल बन गया। रिहैब सेंटर में जाकर उन्होंने अपने एक्शन में सुधार किया तो लेकिन उनका असर उनकी बॉलिंग पर पड़ा और इसके बाद उनका करियर खत्म हो गया। दोस्तों कामरान खान ने 11 आईपीएल मैच में कुल 12 विकेट झटकाए थे। चौथे नंबर पर आते टीम इंडिया के लिए खेल चुके लेग स्पिनर राहुल शर्मा का, जिन्होंने आईपीएल 2011 में अपना रंग जमाया था। इस सीजन में पूरे वॉलेस के लिए खेलते उन्हें 16 विकेट। इस दौरान एक मैच में सचिन तेंदुलकर का बोल करके वो चर्चे में आई थी। इस बेहतरीन प्रदर्शन के बाद उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने का मौका मिला। उन्होंने भारत के लिए 4 वनडे और 2 टी20 मैच खेले। हालांकि साल 2012 में एक रेव पार्टी के सामने आने के बाद उनका क्रिकेट करियर खत्म हो गया। दोस्तों इस लिस्ट में आखिरी नाम है कि दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए खेल चुके मीडियम पेसर महेश का, जिन्होंने आईपीएल के पहले सीजन में खूब आप छोड़ी थी। इस दौरान उन्होंने 11 मैच में कुल 16 विकेट हासिल, लेकिन इसके बाद उनके प्रदर्शन में लगातार गिरावट आई और जल्दी उनके आईपीएल करियर पर ब्रेक लग गया। दोस्तों ये थे 5 खिलाड़ी। दोस्तों आपको कौन सा खिलाड़ी अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।